वेलकम टू हार्ड टाइम्स, एक नया चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल है, दुनिया का एकमात्र चैनल जहां सभी प्रोग्राम आप प्रस्तुत करेंगे। अपने वादे के मुताबिक हम लेके आए हैं आपके लिए आपकी अपनी आवाज। पूरा शहर ट्रैफिक जाम में त्रस्त है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली की सड़कों पे बढ़ती हुई गाड़ियां हैं ट्रैफिक जाम का कारण। हम उन सबको हमारे अमूल्य निर्लज दर्शकों की तरफ से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप गणतांत्रिक नागरिक हैं और आपको अपना कीमती समय अपनी कीमती गाड़ी में बर्बाद करने का पूरा हक है। तो आइए हार्ड टाइम्स दिखाते हैं आपको आपका चरित्र, आपके सबसे प्यारे ट्रैफिक जाम के बारे में आपकी अपनी आवाज। हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स। अभी देखा नहीं मैंने कभी पहले। हाँ जी, सॉरी, डेली होता है? एवरी डे, डेढ़ से दो घंटे से डेली होता है। शाम के वक्त तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, मेनी टाइम्स, हर जगह जाम ही जाम है। बहुत जाम मिलता है, बहुत ज्यादा है, ज्यादा ट्रैफिक हो गया, करीब आधा घंटा हो गया। आश्रम फ्लाईओवर से लगा हुआ है जी, इंतजार करना पड़ता है कब जाम खुले, कब जाना है। बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन, इट्स अ कॉमन अकरेंस इन दिल्ली। गो, गेट अवे, लेट मी गो। मिसरेबल, ऑफुल, हॉरिबल, टेरिबल, वेरी बैड, बहुत खराब है। इतना वो टॉर्चर टू कम टू दिल्ली, मूड खराब हो जाता है गाड़ी चलाते में। ये भगवान बचाए। आई थिंक एवरी ईयर इट इज डिटेरियोरेटिंग, सफर्स माय बिजनेस। आई हैव टू रीच सम प्लेस एंड आई एम सो लेट। 3 घंटे हो गए मेरे को यहां तक आने में। यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल और यू हैव टू गो टू द एयरपोर्ट। मैंने इनकम टैक्स ऑफिस जाना था, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। फ्यूल कंजम्पशन में भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि थर्ड गियर से फोर्थ गियर कोई लगा नहीं पाता। डीजल फूक रहे हैं, मालिक लोग पैसा काट रहे हैं। किस चीज का जाम लगा हुआ है? आई डोंट नो, जनरली जस्ट है, पता नहीं। अभी आगे जाके पता चलेगा। कैसे हमें क्या पता, हम तो पीछे से आ रहे हैं। जाम ये कंस्ट्रक्शन चल रही है फ्लाईओवर के, इसलिए रोड इज वेरी स्मॉल, कार इज मोर, पीपल्स आर मूविंग हियर एंड देयर। हो सकता है कोई रास्ते में गाड़ी खराब हो। मेट्रो की वजह से तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे हम गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो और ज्यादा जाम लगता है। रोड स्पीड कम है, मिनिमम 60 का स्पीड तो होना चाहिए। सबवे बनाते नहीं है, पब्लिक ऐसी आगे आ जाती है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं है कहीं पर किसी चीज का। बिकॉज सब किस्म का ट्रैफिक मिक्स चल रहा है ना, और लाइंस नहीं है। अब इतनी रेड लाइटें हो गई हैं कि पूछो मत। हवा जाने में ये सबसे ज्यादा जैम का कारण है, ये मार्केट ट्रैफिक यहाँ ज्यादा आता है, क्योंकि सबको शॉपिंग करनी है। इतनी सारी पार्किंग नहीं है ना फिर यहाँ पर। आई थिंक द पार्किंग स्पेस वेरी लिटिल हियर। ये गलत खड़ी है गाड़ी जैसे, अब ये तो बिल्कुल चले गए, चार चार घंटे के लिए चले गए हैं। ये वन वे के चक्कर में हो रहा है, लोगों की फाइनेंशियल पावर बढ़ रही है। एवरी डे कार्स आर बीइंग एडेड, गाड़ियां ज्यादा है और टू मेनी व्हीकल्स ऑन द रोड, गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं। एवरी डे 1000 कार्स आर आउट फ्रॉम द शोरूम, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। एक गाड़ी से गुजारा होता है, हमने 10 गाड़ी ले रखी है, तो इससे जाम लगता है। एक गाड़ी में एक ही आदमी चलता है। प्राइवेट कन्वेंस ज्यादा आ गई है ना, कार वाले आ जाते हैं बस, गाकर ब्रेक लगा दो, ट्रैफिक और रुकेगा पीछे। बस वाले अपनी लाइन में ज्यादा चलते नहीं है, रॉन्ग साइड चल देते हैं, उस वजह से जाम लग जाता है। आप ये लाइन पर, इस लाइन पर कैमरा घुमाओ ना। ये छोटे व्हीकल वाले को ट्रेनिंग ही नहीं है किसी ने दी चलाने के लिए। गाड़ियाँ जो बहुत है, ये उल्टी सीधी गाड़ी चला के दूसरे में गाड़ी में गाड़ी ठोक के बैठ जाएंगे, या किसी के साथ लड़ाई करके बैठ जाएंगे। गाड़ियाँ जो बहुत है, या मोबाइल सुन रहेंगे, इसीलिए जाम। मैं क्या बताऊँ मैडम जाम का, तो ये ट्रैफिक वालों से पूछो जाम कैसे लगता है। वो मुझे क्या बताए क्या करना पड़ेगा, इसका समाधान कुछ नहीं हो सकता। कुछ कुछ MCT वाले देखेंगे या पुलिस देखेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। कुछ सर्विस लेन बाय वन करनी चाहिए, कि एक तरफ ही ट्रैफिक चले 15-15 मिनट के लिए, तो उसमें आदमी जल्दी निकल जाता है। Not for us. The government to do. अगर मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को थोड़ा अच्छे से बढ़ावा दिया जाए, मेट्रो स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेट्रो थी सोल्यूशन, बट मेट्रो से भी आई डोंट थिंक कि कोई फायदा हुआ है। बट आई थिंक लेस व्हीकल शुड बी यूज्ड ऑन द रोड, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हमारी गाड़ी क्या करें, जो हम तो ले लिए, आगे गाड़ियों को रोका जाए, कम से कम गाड़ियाँ। रजिस्ट्रेशन फीस है भी बढ़ा देनी चाहिए, जैसे बाहर के मुल्कों में है, कुछ ऑड और इवन नंबर के हिसाब से गाड़ियाँ चलाएं तो कुछ फर्क पड़ जाएगा उससे। अभी रोड पे काम हो रहा है ना, फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है। देयर आर ऑलरेडी सो मेनी फ्लाईओवर्स, बट यू नो द थिंग इज दैट वन न्यू फ्लाईओवर एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ग्रोज मेनी फोल्ड। गवर्नमेंट से आप सलाह लो कि ये प्राइवेट गाड़ियां कम करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल हैव टू बी इंप्रूव्ड। वी आर ग्रोइंग ओल्ड, बट यंग पीपल शुड यूज मोर ऑफन। आई कांट थिंक ऑफ यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू नो, एब्सोल्युटली इट्स इन अ मेस। प्रॉब्ली कारपूल। अगर एक गाड़ी में तीन आदमी चार आदमी मिलकर चले तो इट कैन बी सोल्ड आउट। हाँ, मैं भी एक ही चल रहा हूँ। एवरी डे 1000 कार्स आर आउट फ्रॉम द शोरूम, या सो आई एम वन ऑफ देम।
Yeah. It is not very easy, you know, to organize. You have to start right from the beginning to plan. I think we should learn to get used to it in Delhi. भई हम यहाँ के रहने वाले हैं, अब मकान तो चेंज कर नहीं सकते, यहाँ से दूसरी कॉलोनी में जा नहीं सकते, यहीं गुजारा करना पड़ेगा हमें. So we'll have to face this traffic every day. We'll take a margin while coming out of the house and try to avoid the peak hours. मैडम इस देश का कुछ भी सलूशन नहीं है, देश का ही नहीं है. कुछ नहीं है. No hope at all. सुधार नहीं हो सकता. मैं क्या बता, जो आपके पास समाधान मेरे पास क्या समाधान होगा. And try to avoid the peak hours. And have a good music in your car.